सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो कि आप अगर फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फॉलो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर चाहते हो कि 100% रिजल्ट मिले, तो इनको अगर इजिली एडॉप्ट कर लेंगे तो ये फिक्स मान के चलिए कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कुछ बचेगा नहीं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है गाइस जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कोई डोमेन है जो जो चैलेंजिंग है और जो इंटरेस्टिंग है, तो वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या होता है गाइस कि आप यहाँ पर डेप्थ में चीजों को समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं वीडियो ऑफ कर दे रहा हूँ आप लोग का, जिससे कि आपके बैकग्राउंड से सब कुछ क्लियर आए। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में चैलेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और खास तौर से ये जो हमने गुरुकुल प्रोग्राम किया हुआ है गाइस, ये स्पेशल ट्रेनिंग है। स्पेशल ट्रेनिंग मतलब यहाँ पर इंडिविजुअली वर्क किया जाएगा आपके ऊपर, एक एक पर्सन के ऊपर वर्क किया जाएगा। मीन समीर के ऊपर स्पेशल वर्क किया जाएगा, जीत के ऊपर किया जाएगा, मनीष के ऊपर, एवरी एवरीवन, ठीक है, सबके ऊपर यहाँ पर स्पेशल स्पेशल क्या बोलते हैं वर्क किया जाता है। इसलिए पहले हम लोग एक बार समझेंगे आपके करेंट कंडीशन को, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे की ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग भी आपकी ऐसी होगी जो इसमें आपको जहां पर आवश्यकता ज्यादा है उस पर ज्यादा काम किया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन कहाँ पर वीक पड़ रही है उस पर वर्क किया जाएगा, टेक्निकल में आप किस पोर्शन में ज्यादा वीक हो उस पर वर्क किया जाएगा। कुल मिला के ये एक स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी, सो दैट कि आप इस 4 महीने में खुद को एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर कह सको। और गाइस अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होगी। मतलब कंपनी को क्या चाहिए, या फिर आप खुद की कंसल्टेंसी खोलना चाहते हो तो क्या क्या चीजें चाहिए। आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हो तो आपको ड्राइंग कैसे सबमिट करना है, स्ट्रक्चर ड्राइंग वो बताया जाएगा। आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हो तो स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं सेफ है उसके अंदर, उसके लिए स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस की जाएगी, ठीक है। अगर उसको चेक करना हुआ कि वो स्ट्रक्चर्स पास है कि नहीं है, सॉफ्टवेयर तो बोल रहा है मुझे मैनुअली चेक करना है, फिर एक्सेल से चेक करना है, तो वो आप सीखोगे यहाँ पर। जो एनालिसिस का डायरेक्ट लोड आप लोगों ने देखा होगा स्टैट प्रो पे कि ब्रिक का लोड डाल दिया, बट ब्रिक का लोड ऐसे हवा में नहीं डालना है यहाँ पर। यहाँ पर प्रॉपर ब्रिक के लोड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, थिकनेस कितनी है, हाइट कितनी है, उसके बेस पर कितना लोड आएगा, उस तरीके से प्रॉपर कैलकुलेशन करके वर्क करेंगे। जैसे कि आप सेस्मिक वेसियर आप कैलकुलेट करोगे, वेसियर जो आया है क्या इतना आना चाहिए, क्या गलत तो नहीं आया है, मैनुअली उसको कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा बेस ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच इंटू डब्ल्यू, तो एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड आई बाई टू आर इंटू एस आई बी जी, एस ए बाई जी, सॉरी। तो अभी ये जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, कि हम लोग इस तरीके से ट्रेनिंग करने वाले हैं। और ये मत सोचना कि अरे सर ये तो समझ नहीं आया, इसको मैं आराम से आपको समझाऊंगा एक एक चीज, पीडीएफ के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एवरीथिंग। रूल्स क्या रहेंगे, और रूल्स को ध्यान पे रख लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, रूल ये रहेंगे कि आपको एवरीडे टास्क करना पड़ेगा। मतलब टास्क जो है वो डेली रहेगा, ठीक है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो आज का टेंशन नहीं है, कल से बोल रहा हूँ, आपको डेली टास्क रहेगा और डेली टास्क को सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं अपने सर्टिफिकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्टिफिकेशन उन्हीं के पास रहे जो एक्चुअली में सीखे हुए हैं, इसलिए सर्टिफिकेशन में आपको मैं तभी देता हूँ जब आपका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस और परसेंटेज ऑफ सबमिट वर्क 80% के ऊपर रहेगा। अगर 80 के नीचे है तो आप चाहे जितना फोर्स करेंगे हम पहले से क्लियर कर देते हैं, नहीं देंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम मानते हैं, ठीक, हमारा ब्रांड छोटा हो सकता है बट रेपुटेटेड हो सकता है, ठीक है। आप किसी कंपनी में जाएं और उन्होंने पूछा कि बताइए ईटीएफ सॉफ्टवेयर आपने सीखा हुआ है, तो आपने बोला यस सर हमने सीखा हुआ है, उन्होंने पूछा ईटीएफ सॉफ्टवेयर में काम क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, ईटीएफ सॉफ्टवेयर की फाइल फॉर्मेट क्या है पता ही नहीं है, ईटीएफ सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है पता ही नहीं है, फिर वो सीधे पूछेंगे कहाँ से सीखा, ये जरूर पता है यूनिक सिविल से सीखा। तो हमारा रेपुटेशन 1 मिनट के अंदर बन सकता है, 1 मिनट के अंदर खराब हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा सर्टिफिकेशन उनके पास रहे जो ईटीएफ सॉफ्टवेयर की, जैसे ही सॉफ्टवेयर के बारे में कंपनी पूछना स्टार्ट करे, सॉफ्टवेयर का स्टार्ट टू एंड विथ कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन कर दो, बस वही मेरा सक्सेस है। इसलिए याद रखिएगा 80% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। 2-4 मिनट लेट है वो चलेगा, थोड़ा बहुत काम छूट गया, पूरा नहीं हो पाया काम, वो चलेगा, बट प्रेजेंट एवरी डे रहना है गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्सेल शीट मिलेगी जिसमें आप एवरी डे क्या सीख रहे हो उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटे तो मैं आपके साथ लाइव रहूंगा, इसके बाद 1.5 घंटे
रिकॉर्डिंग लेक्चर्स रहेगा, जो कि आपने यूनिक्स सिविल पर देखा होगा, ऑल इन वन करके जो कोर्स है वहां से। तो 1.5 डेढ़ 3 घंटे, और 1.5 नहीं रहता, कभी 1 घंटे 10 मिनट रहेगा, कभी 1 घंटे 5 मिनट, वो मतलब एक स्टैंडर्ड है कि 1.5 घंटे। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे आपको लगेंगे डेली घर पे टास्क करने के लिए। तो अगर आपने 4 घंटे डेडिकेट कर दिया, आपका काम 100% हो जाएगा। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है गाइस जिसमें कॉन्सेप्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत चैलेंजिंग है ये जॉब डोमेन, ठीक है। इसीलिए हर कोई इसका इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत रखती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर चीज के लिए आईएस कोड के रूल्स है, ठीक है। हर चीज को चेक करने के लिए उसका मैनुअल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी बोल रहे हो तो विदाउट एनी स्टेट मतलब स्टेटमेंट जो बोल रहे हो विदाउट एनी फिक्स रूल आप बात ही नहीं कर सकते हो। स्लैब की थिकनेस इतनी ही क्यों रखनी, क्योंकि फॉर्मूला है शॉर्ट स्पैन बाय बेसिक बिलिंग टू मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब ये आपको नहीं पता है, आप हवा में नहीं बोल सकते हो कि 125 cm कर दो, कैसे भाई, कैसे आया क्वेश्चन है, ठीक है। सिस्मिक जोन कितने हैं, ठीक है, अच्छा 5 सिस्मिक जोन है, तो ये जोन फैक्टर कितने हैं, ठीक है, और ये जोन फैक्टर आए कहाँ से, ठीक है, या फिर डायनेमिक्स कहाँ से आया, इसका डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पर्सनली बताऊं तो बहुत मजा आता है, क्योंकि ये चैलेंजिंग है। बीम फेल कर रही है, रेनफोर्समेंट नॉट एक्सीड, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, क्या गड़बड़ है भाई, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से ट्रेनिंग होती है बेसिकली। अभी मैं आपके बारे में पहले जानूंगा, सबके बारे में पर्सनली, एक एक करके आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, और उस इंट्रोडक्शन के बाद उसके बिहाफ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे की अपनी जर्नी। ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे ऑटोकैड में केवल ऑटोकैड नहीं रहता गाइस, इसके साथ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स एड्स ऑन रहते हैं, ठीक है। तो ऑटोकैड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग स्टैट प्रो पे जाएंगे, फिर आरसीडीसी पे जाएंगे, फिर ई टेस्ट पे जाएंगे, फिर सेफ पे जाएंगे, फिर SAP 2000 पे जाएंगे, फिर मैनुअल एक्सेल, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर। ये पूरी सीरीज है 4 महीने की, दबा के पढ़ना। मैं पूरे मन से पढ़ाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप पूरे मन से ट्रेनिंग को करें, ठीक है। अगर किए तो आप देखेंगे कि 4 महीने नहीं, हार्डली 1 से 1.5 महीने बाद स्ट्रक्चर्स का जस्ट गूगल करना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन वहां रहेंगे वो क्वेश्चन आपको आता रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। आप सभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं लोग, ठीक है, मैं आपको अभी से गारंटी दे रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड करके गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन सर्च करोगे, वो क्वेश्चंस 1 से 1.5 महीने बाद मैच करने लगेंगे, और 2 से 3 महीने बाद तो ऐसा लगेगा अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक, ये मेरी गारंटी है। अब वो बात की बात है कि आप उसको कितना ग्रास्प करते हो, ठीक है जी। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, लिटिल बिट द शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, आपके बारे में जानना जरूरी इसलिए है गाइस, क्योंकि किसी का करियर गैप है तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कोई फ्रेशर है तो उसका बेसिक्स अभी थोड़ा वीक होगा, तो उस हिसाब से ही हम क्लास को लेके चलते हैं। किसी को थोड़ा बहुत ऑटोकैड आता होगा तो उसको छलना नहीं है कि नहीं, मुझे तो सब आता है, नहीं, मेरा ऑटोकैड देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार बहुत कुछ अभी बचा था ऑटोकैड में। सेम स्टैट प्रो अगर आता है थोड़ा धैर्य रखना, हमारा स्टैट प्रो थोड़ा सा एडवांस होगा, फिक्स है, लेकिन वो बेसिक से होगा, ऑटोकैड भी बेसिक्स टू एडवांस होगा। लेट्स स्टार्ट नाउ द लाइक जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सो दैट कि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। कल से आपकी क्लासेस चलेंगी, सेम टाइमिंग पे क्लासेस चलेंगी कल से, और कल से ही आपको टास्क भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और कल से आप पूरा एकदम स्टार्ट टू एंड तक वर्क करेंगे, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन विद मिस्टर अखिल। अखिल ऑन योर माइक एंड जस्ट इंट्रोड्यूस करिएगा अपने आप को, व्हाट्स योर पास आउट ईयर एंड राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, और अभी आगे क्या प्लान है। अखिल इफ यू आर आउटसाइड यू कैन जस्ट डू द मैसेज, सर थोड़ी देर बात करता हूँ। अब मिस्टर अक्षय, मिस्टर अक्षय जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन शॉर्ट। यस अक्षय, गुड इवनिंग जी। मैं छत्रपति संभाजनगर से हूँ। ओके, मेरा बीटेक पासिंग ईयर 2021 है, और अभी करंटली मैं एमटेक स्ट्रक्चर में कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है। एमटेक कहाँ से कर रहे हो? छत्रपति संभाजनगर से, MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। फाइनल ईयर है, ओके, और स्ट्रक्चर से ही एमटेक? यस सर, स्ट्रक्चर से ही। ओके, और इससे पहले तूने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह सीखा हुआ है क्या? हाँ सर, बेसिक आता है, ऑटोकैड स्टैट प्रो। बेसिक ऑटोकैड और स्टैट प्रो आता है, यस सर। सॉफ्टवेयर भी है ऑटोकैड का? हाँ सर, है ना। ओके, थोड़ा सा कम्युनिकेट करने का प्रयास करना नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर ओके हर सर, हफ्ते मॉक इंटरव्यू होगा, और मॉक इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होगा,
ठीक है, यस और सर, मंडे को हाँ मॉक इंटरव्यू होगा। और कोई डाउट है क्या, कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, थैंक यू। ओके ओके जी, चलिए मिस्टर ओके अनिरुद्ध, मिस्टर अनिरुद्ध जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो, ए अल्फाबेट से हम लोग आ रहे हैं गाइस, ए के बाद बी एंड सी। अनिरुद्ध आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन है। अनिरुद्ध एक बार लेफ्ट करके आप आ जाइए, आई थिंक आपका माइक जो है ना आवाज नहीं आ रही और आपका माइक ऑन ऐसा दिखा रहा है, कुछ ऑफ हो गया होगा सेटिंग। मिस्टर भारत, मिस्टर भारत इस भारत और भारत, हेलो, यस मिस्टर भरत, राइट, यस सर, भरत यस भरत, भरत जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट। सर। मैंने बीटेक सिविल 2015 में किया है और एमटेक सीटीएम से मैंने 2019 में किया है, और 2 साल मैंने साइट इंजीनियर किया है रेलवे में। फिर अभी मैं एज ए ड्राफ्टमैन फील्ड स्विच करके न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ अभी। हमारी आफ्टरनून बात भी हुई थी, राइट। जी सर, हाँ भरत, सो अभी तुम्हारे ये सीडीएम में जो तुमने ये किया 19 में पास आउट हो ना, जी सर। और ये 15 से 19 तक पूरा गवर्नमेंट प्रिपरेशन चल रहा था। नहीं सर, 19 एमटेक किया, नहीं, 15 to 19। एमटेक सर, एमटेक। अच्छा, नहीं 15 में तुमने बीटेक पास किया, उसके बाद ही तुरंत एमटेक में एडमिशन ले लिया ऐसा, जी सर, और 4 साल लगे एमटेक में। यह सर 4 साल थोड़ा गवर्नमेंट प्रिपरेशन किया, और 2021, 22 और 23 में मैंने एज ए साइट इंजीनियर काम किया है। अच्छा, 21 से 23 तक आपने साइट इंजीनियर तौर पे काम किया, थोड़ा सा पीवी का एक्सपीरियंस है आपको, राइट। जी सर, बिल्कुल। ओके ठीक, थैंक यू भरत। ओके सर, थैंक यू। भरत दिल्ली में आप हैं, बट आपका कहाँ से हैं आप रहने वाले? सर रहने वाले मैं भोपाल से हूँ, भोपाल, एमपी। भोपाल, ओके, थैंक यू भरत। नाउ मिस्टर गणेश, हेलो यस गणेश, बाहर हैं क्या आप? सर। नहीं, घर में हूँ, साइड में प्रोग्राम चल रहा है, इसका आवाज आ रहा है। ओके, शॉर्ट में जल्दी से बता दो ना, कि तुम्हारे बैकग्राउंड्स बहुत आवाज आ रही है ना। ओके हाँ, सर, मेरे 19 में पास आउट हो गए हूँ, 2019 19, में ओके, बी कंप्लीट, बी सिविल में, उसके और बाद क्या अभी किया? वर्किंग में हूँ। नहीं, मैं जॉब ही कर रहा हूँ 19 अच्छा, से, अभी हाँ, अभी वर्किंग हो वर्किंग एज ए साइट इंजीनियर। हूँ, अभी गवर्नमेंट में हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस में अच्छा, सिविल इंजीनियर का काम करता हूँ। सिविल इंजीनियर, रेलवे में हो क्या? नहीं, गवर्नमेंट किस चीज सेक्टर में? अपना नगर पंचायत रहता है ना, मालूम नगर होगा पंचायत, आपको। नगर पंचायत, हाँ, ओके, नगर उधर। 19 से डायरेक्ट लग गए हो, राइट, हाँ ओके ठीक, थैंक यू गणेश, ऑफ कर दो। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर जीत पटेल, सॉरी जील पटेल, कोई किसी के नाम गलत हो जाए तो प्रोनाउंस तो माफ कर देना भाई। मिस्टर जील पटेल, सर, यस जील, बोलिए। आई एम कंप्लीटिंग बैचलर डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 2023 एंड आई एम वर्किंग इन स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी नाउ। ओके, इन स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी, ग्रेट, यस सर, वेयर? सर सूरत कीस्टोन, सूरत, ओके, कंपनी ने, व्हाट इज इट, कंसल्टेंसी। केस्टोन, ओके, सो यू जस्ट वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, राइट, बेसिकली। नहीं, बेसिकली सर लर्निंग बेस अभी उतना है नहीं, 2 महीने हुए अभी, इतना लर्निंग हुआ नहीं, तो मैंने वही अपग्रेड करना चाहते हो, ओके। राइट, यस सर, ओके, सो यू हैव एनी फर्दर प्लान फॉर द स्टडी, आगे कुछ पढ़ने वाले हो? राइट नाउ तो नो। नॉट नाउ, ओके, थैंक यू जिन। नाउ मिस्टर कमेश, मिस्टर कमेश कुमार, जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी मिस्टर कमेश, कमेश जस्ट थोड़ा शॉर्ट में अपने आप को बताओ। जी सर, मैं बीटेक पास आउट हूँ सर, 2017 में, अभी साइट इंजीनियर पे काम कर रहा हूँ सर, ओ एस आर ओवरहेड टैंक पे काम देखता हूँ। ओवर टाइम पे, ओके, एंड फ्रॉम से साइड 17 टू टिल नाउ, और यू हैव सम कैरियर गैप्स गैप्स है सर, फ्रॉम लाइक फ्रॉम व्हिच ईयर टू व्हिच ईयर? यस सर, 70 to 19। गैप है 17 to 19, क्या कर रहे थे उस समय? वही सर, प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब पे, गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा था, और उसके बाद और 1 साल मैंने काम भी किया है सर कंसल्टेंसी में, वही जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो आती है।
ये साइड वाला जॉब कब से कर रहे हो? ये साइट वाला जॉब कर रहे हैं सर 2022 बाईस से। 2022 से कर रहे हो। और 19 to 21 क्या किया फिर? 22 वही सर थी, कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे सर। अच्छा, उससे तब तक कंसल्टेंसी में क्या रहे थे? क्या प्रोफाइल क्या थी तुम्हारी? वही सर ड्राफ्टमैन था और एक्सेल में काम करना था सर। ड्राफ्टमैन, बेसिकली ड्राफ्टमैन बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ड्राफ्ट, सो यू आर ड्राफ्टमैन देयर। कागज वगैरह सब है ना तुम्हारे पास? मतलब एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सब कुछ है ना, ऑफर लेटर वगैरह? हाँ सर एक साल का है। नहीं तब कहाँ, 1 साल का तो पूरा हिसाब दो ना अपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मामूली नहीं है। तुमने 17 to 19 किया हुआ है गवर्नमेंट प्रिपरेशन, एंड फ्रॉम 19 to till now एक्सप्लेन करो। सर मतलब मैं 20 में मतलब ज्वाइन किया था सर कंसल्टेंसी में, उसके बाद 21 पूरा चला सर, फिर बीच में गैप था सर 6 महीना जैसे, फिर मार्च में ज्वाइन किए। जी 22 मार्च एंड देन टिल नाउ अभी वर्किंग, राइट? सर जी ओके, सर ठीक है। इस गैप को प्रॉपर रीजन बना के रखो, क्योंकि कंपनी जरूर पूछेगी व्हाई देयर वाज अ गैप, ओके, फॉर द 6 मंथ जो भी रीजन। अभी अभी ये बना सर, लो, ठीक है? अरे एक चीज बोलना चाह रहे थे सर, थोड़ा हाँ बोलो बोलो। इंग्लिश मेरा वीक है सर। हाँ, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे है, इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है गाइस, कि अगर आपने मिड लेवल की कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया या स्मॉल स्केल का, स्मॉल स्केल में देखो 15 से 20 हज़ार के ऊपर नहीं देंगे, ठीक है? दिस इज फिक्स, ठीक है? सेम नॉलेज मिड लेवल की कंपनी में अगर तुमने इंटरव्यू क्रैक कर दिया, 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ाया, सिर्फ कम्युनिकेशन बढ़ाया है, बाकी सब सेम है, गॉट इट? एंड उसके बाद थोड़ा सा और अपना कम्युनिकेशन बढ़ा दिया तो तुम चले जाओगे एमएनसी के अंदर, और वहां पर 25+ फिक्स है। अब वो तुम्हारा एक्सपीरियंस वगैरह मिला के जो भी रहेगा, पर 25+। सोचो कि सेम नॉलेज है, एक छोटे से फॉर्म में काम कर रहे हो तो 15 से 20 हज़ार में पा रहे हो, मिड लेवल की कंपनी में 20 से 25, और हाई लेवल में सेवेंसी के में करो 25 के ऊपर पा रहे हो, 30 पा सकते हो, 35 पा सकते हो। रोल किसका है? कम्युनिकेशन का। गॉट इज कमेस? जी सर जी सर सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। गलत करो ना, गलत करते करते सही हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है? जी सर जी सर ओके जी, नाउ मिस्टर मनीष शर्मा। मिस्टर गुड मनीष, इवनिंग। गुड गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग मिस्टर, सर। यस 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 मिस, सर आई डिड माय इंजीनियरिंग इन 2014। Then till lockdown I work as a site engineer. Then circumstances goes opposite. So 2020 I started preparing office work. So in that duration I used to practice AutoCAD and STAT Pro on the YouTube platform. And then I slowly actually, in between, I had an appendix, so I had bed rest for 4 to 5 months. So I have utilized that month in learning these softwares like AutoCAD and little bit STAT. And after some time, I thought I didn't have go to office. I didn't have go to site job. I have to work independently. So I have started, and till now I am working as a freelancer. So I have some little projects of structure design. Actually, I am structure design registered in local town and country planning. So I am issuing structure stability and 2.5 story building structure design. But not fully confident that I have preparing the level as per the Got it. standard. So So basically, you just that want to way I upgrade your consultancy and you yes just want to grow yourself, right? want to upgrade my knowledge and also through I have to have projects for more scope. ओके जी, ठीक है, मैं सब कुछ दे दूंगा। टर्म्स क्या है याद है? 80% अटेंडेंस, उसको लूज नहीं करना है, ठीक है? ओके राइट राइट सर उसको, राइट क्योंकि अगर वो लूज किए ना तो बाकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है,
यस ठीक है, और यस वो अगर दे दिए सब कुछ मेरे हाथ में है। ओके ओके फिर ओके जी, हाँ ओके नाउ थैंक ओके ओके जी, थैंक यू। नाउ मिस्टर मनीष सिंह, मिस्टर मनीष सिंह, ओके मे बी हेलो इट्स, यस मनीष, इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सर मैं बीटेक 2020 में पास आउट किया हूँ। ओके अब इसमें मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ रेलवे प्रोजेक्ट में, ओके औरंगाबाद बिहार। और मैं 2020 से टिल नाउ अभी तक काम कर रहा हूँ। ओके, और हाँ सेम सेम प्रोफाइल, सर, वेयर, कहाँ पर? औरंगाबाद बिहार। अच्छा बिहार औरंगाबाद, हाँ सर, ओके। नाउ व्हाट्स योर प्लान से आई अपग्रेड योर आवर नॉलेज इन स्ट्रक्चर। एंड यू वांट टू मूव योरसेल्फ इन स्ट्रक्चर आल्सो, राइट? यस यस सर, ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच मिस। थैंक यू सर। ओके जी, मिस्टर फराज अहमद, मिस्टर फराज अहमद, सर यस मिस्टर फराज, फराज जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2021। During that, I have worked some projects like G+6 building, analysis of G+6 building with the help of Stanford. After completing my degree, I decided to preparing for GATE exam. In that, after giving exam, I joined HPCL. And worked 3 months, and I decided to resign for preparing higher studies. In 2022, in the July, I got qualified on entrance exam, which was conducted by Alia University. And currently, I'm pursuing my M.Tech degree and specialization in structural engineering. That's all about me, sir. ओके, व्हेन गोइंग टू कंप्लीट योर मास्टर्स? 2025 से। यस 25, सो दिस ईयर ओनली यू टेक द एडमिशन,23 जुलाई। 23 जुलाई, सो दैट इज 24 25, यस गॉट इट, थैंक यू फरास। अभी आगे की कंपनीज के लिए याद रखना कि एमटेक नहीं बोलना है, ठीक है? अगर एमटेक बोलते हो तो कंसीडर नहीं करेंगे ना, अगर कोई जॉब करना है, कंसल्टेंसी खोलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नाउ मिस्टर अरशद, मिस्टर अरशद अहमद, प्लीज ऑफ योर माइक प्लीज मिस्टर फरास। मिस्टर अरशद अहमद, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या बात है? इंटरनेट स्टेबल नहीं है क्या? ओके नाउ लेट्स कम टू मिस्टर मोहम्मद फहाद। गैस मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ, बट फिर भी मैं इसलिए इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ जिससे कि आपको ही पता चले कि यार हम एक ग्रुप ऑफ यूनिटी हैं, सब मिल के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे ना तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ज़्यादा अच्छा नॉलेज गेन करेंगे, इसीलिए मैं आपसे भी उनका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। फहद आर यू एबल नाउ? ओके मिस्टर नरेंद्र, ओके कोई भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कमेंट कर दो कि सर थोड़ी देर बात करता हूँ। यस नरेंद्र, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नरेंद्र, सर आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ओके आई हैव पास्ड आउट माय बीटेक इन द ईयर 2023। 23, करेंटली आई एम वर्किंग एज ए रीबार डिटेलर इन हैदराबाद। रीबार डिटेलर, ओके आई हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रीबार डिटेलिंग। गुड, सर आई वॉन्ट टू स्विच माई सेल्फ इन टू स्ट्रक्चर्स। As I completed, I have 1 year experience in detailing. I want to learn more about structural designing, and I want to move to any structural designing company. ग्रेट, वेरी गुड, आपका तो करियर बहुत अच्छा है, ठीक है? देखिए जिनका गैप है उनका थोड़ा सा, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी दैट्स ग्रेट। ओके विनी, नन दैट इज इनफ फॉर मी। नाउ मिस्टर पिंटू, मिस्टर पिंटू कुमार, हेलो। यस यस सर। पिंटू, यस पिंटू, जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट। यस सर। सर माय नेम पिंटू कुमार। आई कंप्लीटेड बीटेक 2017 एंड फ्रॉम 2017 टू 19 आई वर्क एज अ साइट इंजीनियर एंड देयर माय डिजाइनेशन वाज
I work as a site engineer by design itself as an assistant bridge engineer in Arunachal Pradesh in Sterling Private Limited. From 2019 to 21, I completed MTech in a structure from Bhopal. And after MTech, I unfortunately I suffer from fracture of right hand. So from 2020 months, 18 months I sitting, resting and hospitalized due to this problem. And last 1 year from March 2023 to yet I am working in civil consultancy. And last 6 months I am working in same company as a senior executive technical in design. And here design team, my designation is just a senior technical, senior executive technical. And I want to learn StatCoit as some type of software, because when I meet my team, they are experienced and more knowledge. So I feel like that unconfident. Yes. So I am coming near you. Okay. देखो कैसे होता है पिंटू एंड एवरीवन, जब हमारे पास नॉलेज भरा रहेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप रहेगा, ठीक है। इसलिए हमें डेली कुछ न कुछ गेन करना है, ठीक है। देखो मैं आपको क्या कर, मैंने क्या बोला, हर दिन हमें एक्सेल में लिखना है कि हमने आज क्या सीखा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर नॉलेज इनकम, मतलब नॉलेज कमाया आज आपने वो भी, ठीक है। कुछ भी सीख सकते हैं, जैसे कि आज आप क्या सीख सकते हैं, How to introduce myself, ये आपकी knowledge हो गया ना आपका ही, ठीक है। और in front of many persons हो गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, और उसी जो सीखते हैं, दिक्कत क्या होती है आजकल तो इतना information का युग है guys कि हम सब कितना कुछ सीखते हैं, ठीक है। मोबाइल खोल दो, information देखो, एक से बढ़कर एक भरा रहता है। दिक्कत क्या है, वो information series में नहीं है। दिक्कत क्या है, कब कौन सा knowledge लेना है ये पता नहीं है, राइट पिंटू? यस। तो अब इसको बेटर करना है, और बेटर करके यहाँ रखना है इसको, ठीक है। चलो ओके जी। नाउ मिस्टर राजू कुमार, मिस्टर राजू कुमार, ओके मे बी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। जैसे जो लोग अवेलेबल नहीं है गाइस कमेंट कर दीजिएगा, जैसे आप अवेलेबल हो जाते हैं। तो मिस्टर पुष्पक राज, सॉरी रूपक, सॉरी रूपक, हेलो। यस myself Rupak Raj, and I did my graduation in BTech in 2020. Currently I am working as a steel detailer in Noida. Which company? Structure Online. Structure Online, great. Yes. Okay, so now you just want to become a structure engineer, right? Yes, sir. Rebar work, like in AutoCAD or Tekla? No, Tekla. In Tekla, steel structure. Steel. Not rebar. Very good. Steel only. Yes, so they provide connection and everything by Tekla, or using any software for that connection? Everything, connection and detection, SOC, everything. From Tekla only? Yes, sir. Very good. So you are working there from last 1 month, 1 year? No, sir, 2 years. I started here in 2022, June. 2022. From there, yes, to till now you are there. Great. Yes, sir. ओके जी। नाउ मिस्टर शिव कुमार, सर मैंने तो 2018 में मेरी बीए कंप्लीट की सर। अच्छा। तो उसके बाद 22 तक मैंने गवर्नमेंट प्रिपरेशन किया। उसके बाद एज ए साइट इंजीनियर मैंने 1.5 साल जॉब किया सर। उसके बाद और फिर वैकेंसी आई थी, तो फिर 6 मंथ्स में प्रिपरेशन कर रहा था, तो अभी एग्जाम हो गई, तो उसके बाद क्लास ज्वाइन करने का फिर डिसीजन लिया सर मैंने। एग्जाम किस चीज का दे रहे थे आप? वो अपने सिविल इंजीनियर के पोस्ट थे हमारे, स्टेट गवर्नमेंट के निकलते वो। ओके, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे थे आप। अब तो पूरा फोकस इधर ही है ना? हां सर, पूरा फोकस अब हो गया एकदम। फोकस को बायकॉट मत करना, ठीक है। फोकस कैसे ना, चार्ज अगर रहता है तो कंफ्यूज, जो एम है वो पूरा नहीं हो पाता दोस्त, है ना? हां सर। ओके जी, चलो। नाउ मिस्टर सुनील कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील। Sir, I have completed my BTech in 2013. After that, I have completed my MTech in 2017 in Construction Technology and Management. From 17 to 22, I have worked as assistant professor in college, engineering college. Since 22 to till now,
I am working as a technical officer in a private bank in valuation department. Valuer. Ji, valuer, valuation of land and building. You have license? Sir, I am employee in the bank. So no need of license. Okay, so only their employees. Yes, sir, I am employee. They only require a BTEC degree. This may be private bank. Yes, AU Small Finance Bank. AU Small. Otherwise, valuation license is important. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have a membership for that. So, valuer engineer. Yes, sir. तो मैं property वैसे काम भी कर सकता हूँ मैं अपना as a private. तो मेरे पास membership है. Correct. नहीं अभी जैसे कैसे होता है कि इसमें आप अगर फ्यूचर में देखिए मैं क्या बोलता हूँ सीखने कोई बुराई नहीं है वैल्यूएशन का भी काम अच्छा है बट केवल वैल्यूएशन पे इंडिपेंड रहना भी अच्छा नहीं है जी सर जी सर रिड्यूस हो जाता है ठीक है तो मेरे जी सर उसके साथ आप ऐड करिए अपने स्ट्रक्चर्स के नॉलेज को ठीक है जी सर फ्यूचर में ऐड करिए बीम के नॉलेज को नाउ यू आर द कंप्लीट पैकेज यस सर नाउ यू कैन डू द एनीथिंग अभी मैं बट सर मेरा जो पर्पस है सर मैं जॉब में ही जाना चाहता हूँ मेरा बिजनेस या फ्रीलांसिंग का पर्पस नहीं है नहीं जॉब में ही जाइए बट जी सर में भी रह के नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए ओके सर ठीक है ओके नॉलेज जी कैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ हमें एवरीडे सीखना पड़ेगा ना और फ्रॉम वेयर यू आर सर आई एम फ्रॉम सिरसा हरियाणा हरियाणा सो यू कैन जी 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 गुड़गांव आल्सो यस सर बिकॉज सर एक्चुअली मैं सर मेरा पर्पस था यहाँ से शिफ्ट होने का कि मैं जिस लाइन में हूँ सर अभी उसमें थोड़ी सैलरी कम है ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है मतलब मेरी ये मानिए कि 150 से 200 किलोमीटर पर डे की ट्रैवलिंग रहती है जी जी तो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है तो सबसे एक्सपेंसिव हो जाते हैं सैलरी बचती नहीं है तो बस पर्पस इसलिए था कि स्विच करते हैं स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में बेटर ऑप्शन दिखा मुझे ये ग्रेट ओके जी नाउ मिस्टर यश थैंक यू सो मच सुनील ओके सर मिस्टर यश हेलो सर आई एम यश बही फ्रॉम अहमदनगर Okay. Yes, yes. Can, your master's and degree, what you done? I have done BE pass out 2019. BE 19, okay. Or ME structure 2022. ME and structure. Structure. 2022. 22. We met, sir, yesterday. Okay, yes. I remember everyone, but the important is everyone can know. Okay. 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 Thank you so much. Yes, this was nice to talk with you and everyone. नाउ मिस्टर फहद अभी अवेलेबल हैं आप एंड अरशद अभी अवेलेबल हैं तो बता दीजिए नहीं अवेलेबल है तो बात बता दीजिएगा यस सर ओके नॉट भरत आपने बोला फहद को बोला मे बी ही इज नॉट अवेलेबल नाउ ओके गाइस ये मैंने आपका प्रॉपर ये एक तरीके से बोल सकते हैं डिटेल्स होता है जिनको मैं लिख रखता हूँ आपके लिए क्यों क्योंकि अब इसके बेसिस पे मुझे ये आइडिया है कि भरत को कितना मेहनत करना है गणेश को कितना मेहनत करना है जील पटेल को कितना है एंड एवरीवन ठीक है और यही नहीं मैं आपके हर मॉक जो आपके हर मंडे को मॉक होंगे उस मॉक में भी आपको ट्रैक करूंगा कि हाउ मच यू अपग्रेड योर लास्ट मॉक योर दिस मॉक एंड योर आने वाले जो भी मॉक होंगे तो उस तरीके से आइडिया लगेगा कि हाँ यार हमारे मॉक में कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं टेक्निकल में हम कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं फिर स्टेप वाइज उन्हीं के ऊपर हमें वर्क करना है अब एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपके पास ऑटो कैड है या नहीं है येस और नो में आंसर कर दीजिए कि आपके पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है कि नहीं जस्ट कमेंट कर दीजिए यहां पर कमेंट बॉक्स में यस और नो आपके पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है या नहीं कोई भी वर्जन हो बस है क्या सुनील कुमार के पास नहीं है और सभी लोग कमेंट करिए फटाफट नरेंद्र आप भी बताइए सर मेरे पास भी नहीं है मैं अनइंस्टॉल करने के बाद फिर दिक्कत होगी ओके जी एंड नरेंद्र के पास भी नहीं है ठीक है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का बेसिक्स सॉरी सॉफ्टवेयर का लिंक भेज दूंगा सो दैट यू कैन बी डाउनलोड दैट और सभी लोग कमेंट करिए कोई किसी का बचत नहीं यस और नो में बता दीजिए तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको देना है कि नहीं देना है सॉफ्टवेयर ठीक है 24 ठीक है कोई भी वजन हो हमें वजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है कोई भी वजन हो ओके साहिल आपने अभी ज्वाइन किया क्या क्लास मिस्टर साहिल ठीक है किसी ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए वहां पर हैंड रेज ऑप्शन दिया हुआ है जी सर मैंने अभी ज्वाइन किया सर क्लास ओके जी मिस्टर साहिल जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट यू
सर मेरा नाम साहिल गुप्ता है, मैंने 2013 में बीटेक की थी सर। ओके उसके लिए तो सर मैंने साइट पे काफी मतलब एज अ साइट इंजीनियर जो काम किया वैसे साइट के ऊपर। ओके जी सर मैं जो है गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ एज एस्टिमेशन मतलब क्यू एस एस्टिमेशन वर्क कर रहे हैं। ओके 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 ठीक है। एंड अभी पुराना एक्सपीरियंस आप साइट इंजीनियर भी रहे कुछ साल राइट? जी सर मैंने लगभग 8 साल सर अभी साइट इंजीनियर काम किया, उसके बाद मैंने सर 1.5 साल से मैं जो है क्यूएस जॉब कर रहा हूँ पॉइंटी से। ओके ठीक है साहिल, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बट अगर कर लेंगे तो समझ जाइए कि आप फिक्स है कि आपका लाइफ सेट हो जाएगा दोस्त। ठीक है ओके जी। नाउ मिस्टर समीर बंसल, मिस्टर समीर बंसल आई यस सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हां जी सर समीर जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट। सर मैंने 2014 में बीटेक पास आउट किया है। ओके उसके बाद मैंने ये वो अपने उसमें टीचिंग में ज्वाइन किया 19 तक, उसके बाद कोविड के कारण मेरी वो जॉब थोड़ी लेफ्ट हो गई थी। ओके उसके बाद मैंने फिर पार्ट टाइम सर कोचिंग में अपना स्टार्ट किया है। अच्छा और प्रिपरेशन करी थी और सिक्स मंथ मैंने बीच में साइट में काम किया था। ओके ठीक है, तो अभी आपका क्या एम है? सर मेरे को सर अभी क्या है कि जैसे ये जो स्टेट के अंदर है ना मेरे को इस लाइन में जाना है सर, डिजाइनिंग वाली लाइन में एज ए हाँ स्ट्रक्चर इंजीनियर वाली लाइन में जाना है, एज ए हाईवे प्रोजेक्ट में ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है। ओके क्योंकि अभी सर रिसेंटली डेवलपमेंट में रेलवेज और हाईवेज की ज्यादा डिमांड है, तो उसकी रिगार्डिंग इसमें क्या रहेगा? देखिए हमारा जो पूरा का पूरा ये जो ट्रेनिंग सीरीज चल रहा है ये पूरा बिल्डिंग का है और ये बिल्डिंग का स्टार्ट टू एंड है, इतना टॉप पर है कि जहां तक आप सोचे नहीं होंगे और इतना बेसिक से आपको लगे यार बहुत इजी चीज सबसे सिखा रहे हैं। ठीक है तो ये बिल्डिंग का स्टार्ट टू एंड है और जो कि कम्प्लीटली 4 मंथ का है। हाँ ये जरूर है कि इसको जिसने अच्छे से कर लिया किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन कर लेगा। ठीक है तो ये आप क्लियर रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो हम लोग सिखाने वाले, नो डाउट इसके साथ हमने टावर भी ऐड किया हुआ है, एक ब्रिज भी ऐड किया हुआ है स्टेटो में, बट आवर मेन मोटो इज फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स स्टार्ट टू एंड। क्लियर? तो इसमें हाईवे का नहीं रहेगा सर ज्यादा? नहीं ये बिल्डिंग का पूरा ये स्टार्ट टू एंड है। ठीक है तो इसके अलावा टावर है, हाईवे है, बट वो एक एक प्रोजेक्ट है और बिल्डिंग के लगभग सारे ही प्रोजेक्ट। ठीक है तो ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फॉर, देखो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को डिवीजन हुए ना, हाईवे एक अलग डोमेन्स हो जाता है क्योंकि उसमें आईआरसी के रूल्स और क्या बोलते हैं उसके लिए सीएसआई ब्रिज करके सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं नो डाउट, क्योंकि विंड वहां पर भी है, विंड यहां पर भी है, अर्थक्वेक वहां पर भी है, अर्थक्वेक यहां पर भी है, बट ये बिल्डिंग का स्पेशली कोर्स रहेगा पूरा। ठीक है ओके जी। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर अखिल, मिस्टर अखिल, मिस्टर अखिल ऑडिबल नो एंड अनिरुद्ध कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस अनिरुद्ध, मिस्टर अनिरुद्ध और ऑडिबल नो, अनिरुद्ध आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। चलिए आप मैसेज कर दीजिए कि आप पास आउट ईयर क्या है आपका और एक्सपीरियंस क्या है, मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा आपके उस एंड पर। ठीक है गाइस तो अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, आप मैक्सिमम लोग जानते हैं मुझे, मैं क्या बोलते हैं लगभग 7-8 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आपने शायद देखा हो, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम है इंजीनियर आकाश पांडे। मैं लास्ट 8 ईयर से स्ट्रक्चर्स और बीम की इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 5 ईयर्स तक तो हम लोगों ने मैंने सिर्फ जॉब किया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स पूरी तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है और मॉर्निंग्स और इवनिंग में इस तरीके के कुछ इंटर्नशिप करा रहे जो कि एक तरीके से आप देख रहे हैं गुरुकुल इंटर्नशिप, जिसमें आप स्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट किए हैं और अब तक में मुझे लगता है लगभग 50 से 60 बैचेस कंप्लीट हो चुकी होंगी सक्सेसफुली। और इन बैचेस की एक गारंटी रही है कि जिसने भी 80% के ऊपर अपने अटेंडेंस को और अपने असाइनमेंट्स को मेंटेन करके रखा है, हर वो बच्चा आज जॉब में है, हर वो बच्चा सर्टिफिकेशन पा चुका है। उसके नीचे कोई रहता मैं सर्टिफिकेट देता नहीं, चाहे जितना आप कुछ ही बोलो मैं नहीं दूंगा,
पहले से क्लियर, इतना कड़वा बोल रहा हूँ ये बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, बट ये फैक्ट है। रीजन क्या होता है गाइस, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं टाइम पास के लिए सीखने लगते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोग हैं तो मैं उनको तो मना करता हूँ सीधे सीधे, अगर मेरे से बात हुई होगी तो। हमें मन लगा के करना है। मन लगा कैसे, कि आज जैसे आपको कुछ टास्क मिला तो आप उस टास्क को कंप्लीट अच्छे तरीके से करके आइए, ठीक है। कल कोई टास्क मिलता है तो उसको अच्छे तरीके से करके आइए। अभी आपको एक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की पीडीएफ मिलेगी आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है, उसको आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ लीजिएगा। ट्रेनिंग आपकी कल से स्टार्ट होगी, नो डाउट। कल आपका ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। ऑटोकैड हम लोग लगभग 20 दिन या 15 दिन के आसपास पढ़ेंगे, वो डिपेंड करेगा आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हो, उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टैट प्रो में जाएंगे, बट इसी ऑटोकैड के अंदर ही कॉलम का ओरिएंटेशन क्या रखेंगे, बीम का डेप्थ कितना रखेंगे, सब हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे। वर्किंग ड्राइंग, समेशन ड्राइंग, रेरा, वास्तु, सब पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो मजा बहुत आएगा, बस कमिटमेंट मेरा याद रख लीजिएगा। मैं 3 4 बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलूंगा, नहीं बोलेंगे सर एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हैं, बट वो सबसे बड़ी बात वही है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ 80% अटेंडेंस। अब चलिए आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर किसी कुछ क्वेश्चन है तो। हेलो सर, यस अखिल बोलिए। हेलो अखिल, यस अखिल, सर एक्चुअली मेरा बाहर था इसलिए ओके, मैं नो एक कॉल लेता हूँ। इट्स ओके, ओके सर, एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग इन 2018। आफ्टर दैट आई वेंट फॉर प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अप टू 2021। ओके, आफ्टर दैट आई जॉइन्ड इन जीए एसोसिएट्स इन हैदराबाद, ड्राफ्टमैन जैसा काम किया था। अभी अभी से 1.5 ईयर से मैं लोकल ग्राम पंचायत नगर पंचायत म्यूनिसपालिटी में वर्क कर रहा हूँ। छोटा छोटा प्लानिंग्स 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 दे रहा हूँ बस उतना ही। सो मैं पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बना के स्ट्रक्चर्स भी डिजाइन करके स्ट्रक्चरल डिटेलिंग से घर देना चाह रहे हो? देना चाह हाँ यहाँ सर। ओके थैंक यू, ओके ओके जी, ठीक है। चलिए लगभग लगभग सबसे हम लोग की वार्तालाप हो गया, सबके रिकॉर्ड हो चुके हैं हम लोग के पास। क्या भरत कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस भरत बोलिए। सर इस कोर्स में स्टेट में यस। आप स्टील का भी पूरा कोर्स कराएंगे ना? नहीं, स्टील में आपका वेयर हाउस रहेगा, ठीक है, जी कंप्लीट बेयर स्टील नहीं रहेगा, क्योंकि कवर ही नहीं कर सकते हो दोस्त। अभी 4 महीने में ना देखना बिल्डिंग को कम पड़ेगा, 4.5 महीना ना चला जाए, ठीक है, बिल्डिंग को ही कम पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ बिल्डिंग में है ना। अभी आप लोग जितना स्टेट जानते हो उससे बहुत ज़्यादा है ये, जी जी ठीक है। तो इसलिए 4 महीने में मैक्सिमम मेरा प्रयास रहेगा आरसीसी बिल्डिंग्स का, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि देखो क्लियर क्यों बताना जरूरी है भरत, क्योंकि आगे आपके माइंड में ये रहना चाहिए ना किस तरह से हम क्या पढ़ने वाले हैं, जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले से क्लियर सबको बता दिया, स्टार्ट टू इन रहेगा। हाँ, बिल्डिंग में कुछ छूटने नहीं दूंगा, ठीक है, मेरी गारंटी है। स्टील में मतलब स्टील स्टील में बेसिक्स रहेगा, बेसिक स्टील में आपका ये रहेगा कि आप किस तरीके से वेयर हाउस को बना सकते हैं, किस तरीके से टावर को बना सकते हैं, ठीक है, किस अच्छा तरीके से अच्छा ओवरहेड टैंक को बना सकते हैं, बट जो स्पेशल ट्रेनिंग है वो आरसीसी बिल्डिंग की है, ओके ठीक थैंक यू है। सर, मैं IS 800 भी पढ़ाऊंगा, बट वो और IS 4500 में अंतर रहेगा। ओके सर थैंक यू। ओके जी हाँ, अखिल कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या आपने माइक? हाँ सर, हाँ सर, बोलिए सर। आप सभी ऑटो कैड पे सबमिशन ड्राइंग्स के लिए बात किया था ना सर, यस आप पूरा प्रीडी से आर से सबमिशन ड्राइंग कैसे कर रहे तो पूरा बता दो। आपको पीडीसीआर से, क्योंकि पीडीसीआर में कुछ है नहीं, लेयर ही कन्वर्ट करना है ना, तो हाँ सर, आपको जानना है तो पीडीसीआर भी बता देंगे, बट जनरली पीडीसीआर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैक्सिमम लोग जॉब के लिए जाने वाले हैं ना, तो प्लानिंग लेयर पर अगर कर ले रहे हैं तो पीडीसीआर पे इंपोर्ट करना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहिए तो हम बता देंगे। ओके सर, वो भी ऐड करो सर लेक्चर्स ओके, में। ओके सर, एक दिन इंट्रोडक्शन दे देंगे, उससे आइडिया लग जाएगा। मेन है कि लेयर्स पर प्लानिंग बनाना आ जाए तो वो बहुत आसान हो जाता है। ओके सर, ओके जी। नाउ नेक्स्ट, किसी का भी कोई क्वेश्चन है आप आराम से हैंड रेज करके पूछ लो एक एक करके, ठीक है, आपके लिए ये। तो नाउ आस्क द क्वेश्चंस व्हाटएवर यू वांट। किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ओके। 22 में पास आउट किया हुआ है अनिरुद्ध ने, ठीक है, और इन्होंने डूइंग इंटर से बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर्स में ये कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए गाइस, हो सकता है आपके लगभग लगभग क्वेरीज सॉल्व हो चुके होंगे, और फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए। कल से हमारी ऑटो कैड इंट्रोडक्शन की क्लास स्टार्ट होगी। आज आपको कुछ नहीं करना है, एक बेसिक सी पीडीएफ दूंगा जो कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की रहेगी, वैसी पीडीएफ आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी। आज जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा,
नरेन कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस नरेन बोलिए। सर इफ देर इज एनी चांस टू कंडक्ट क्लासेस फ्रॉम 7:30 to 9। 7:30 to 9 में प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 8:30 से है, ठीक है। नाउ वी आर प्लानिंग कि थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, 15 मिनट का प्लान कर रहे हैं, बट अभी के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा नरेंद्र, क्योंकि दैट इज डिपेंड ऑन दैट गाय, ठीक है। वो अगर रेडी हो जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 10 मिनट 15 मिनट का हम प्लान कर रहे हैं, लेट्स सी पॉसिबल होता है कि। सर वही सर, हमारा ऑफिस 7 पे कंप्लीट होता है, कभी कभी थोड़ा देर भी हो जाता कोई है तब। हाँ इसीलिए मैंने बोला फिलहाल स्टार्टिंग में तो आपके प्रोजेक्ट्स चेक होते हैं, तो 10-15 मिनट तो आपके पास रहेगा मूव होने के लिए। 15 मिनट का और मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो वेरी गुड, बट नॉट कमिटमेंट। सर मॉक वगैरह आप सैटरडे या संडे पे प्लान करने से? नहीं, सैटरडे संडे को प्रिपरेशन करते हैं ना मॉक के लिए, इसलिए मंडे को रखना पड़ता है। प्रिपेयर नहीं रहोगे तो बताओगे कैसे? सर मंडे फिर ऑफिस जाना पड़ता है, टाइम वगैरह। ऑफिस से आते हो तो इवनिंग में तो आते होगे ना आप? ठीक है मंडे को चाहे जितना लेट ज्वाइन करेंगे आप 8:30 पे पहले ही आ जाएंगे ना? हाँ यस सर यस। तो जैसे आ जाएंगे मॉक आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। और फिलहाल मैं इसकी जो आप क्लास ले रहे हो इसकी भी रिकॉर्डिंग रहेगी, तो कुछ भी अगर 10-5 मिनट आगे पीछे होता है यू कैन कवर फ्रॉम देयर, ठीक है। सर जो अभी जूम मीटिंग मीटिंग वगैरह होता है उसका भी वीडियो रहेगा यस सर? यस यस उसका भी रहेगा, वही बोला वो कल से होगा ना, आज तो इंट्रोडक्शन है, जस्ट सबके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। कि देखो कैसे है कि आपके लेवल को नहीं पता रहेगा तो फिर हम लोग कहाँ हैं कैसे हैं समझ में नहीं आएगा। अभी मुझे ये आइडिया लग चुका है, कई लोगों का इंजीनियरिंग काफ़ी पीछे हुआ है तो उनका बेसिक्स एकदम भूल चुका होगा, तो हमें उसको भी एड्स ऑन करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से बस कल से वो जूम पे आपको होगा तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी दोस्त, ठीक है। रूपक कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? वो सर क्लास के टाइमिंग के रिगार्डिंग था। यस ब्रदर ये सेम रहेगा 7 to 8:30। हाँ इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि 7:15 तक हो जाए तो बेहतर रहेगा, लेट्स सी, ठीक है। उससे ज्यादा तो नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे पता है सबका अपना एक टाइम पंक्चुअल होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे मानने चाहिए ना। ओके जी, हाँ जी कोई और कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी कोई डाउट है? ठीक है ओके, ठीक है आप लोग फिर जा सकते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ये फिक्स मानिए कि अगर आपने फोकस किया तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कुछ भी रह नहीं जाएगा, खास तौर से बिल्डिंग के लिए कुछ भी रह नहीं जाएगा जो मैं कवर न करूँ। मैं आपको यहाँ पर आई एस कोड भी पढ़ाने वाला हूँ, IS 456, IS 800, यहाँ तक कि IS 1893, IS 875, सबको पढ़ाने वाला हूँ। मतलब उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब कोड तो नहीं पढ़ सकते पूरा, तो जो जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग मैनुअल्स पढ़ेंगे फाउंडेशन का, बीम का, कॉलम का, फुटिंग का, मज़ा बहुत आने वाला है। बट ये सब डिपेंड करेगा आपके कितना आपने काम को करके दिखाया, उसी से हमें एनर्जी मिलेगी और उसी से आगे चलेंगे। यस सुनील बोलिए। सर कल से क्लासेस वो थ्रू एप्स लगेंगे सर, आपने जो लिंक दिया हुआ है? एक वेबसाइट ऐप पे तो रिकॉर्डिंग क्लास देखना रहेगा। ओके सर, जो क्लासेस रहेंगी वो एक जूम मीटिंग होगी, स्किल्स गुरुकुल करके वेबसाइट है अपनी, स्किल्स गुरुकुल, ठीक है। ओके वो आ जाएगा दोपहर में, आ जाएगा लिंक, उसको आप रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके अंदर रहेगा क्लास। अच्छा अच्छा, मतलब वो व्हाट्सएप इसी ग्रुप में लिंक आ जाएगा उसका? इसी ग्रुप में, सारा कुछ इसी ग्रुप में ही आएगा। ओके 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 सर ओके। और अनिरुद्ध कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस अनिरुद्ध बोलिए, अगर आपका माइक ऑन करे तो, मुझे तो लग नहीं रहा आपका माइक ऑन होगा। ये बोल रहे हैं सर कैन यू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड विच वॉज गिवन बाई लाइव लेक्चर, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सेकेंड वीडियो विच वॉज गिवन आफ्टर लाइव लेक्चर। मैं समझ तो नहीं पाया वैसे आपका क्वेश्चन, बट शायद अगर आपका ये प्रयास है कि कल, तो कल हम लोग जूम पे क्लास लेंगे और जूम पे ही हमारी पूरी की पूरी क्लासेस चलेंगी स्टार्ट टू इन, जिसके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म है जो कि दोपहर में आपको लिंक पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यस रूपक बोलिए। तो जूम पे कितना देर तक क्लास चलेगा हम लोगों का? ये सेम जो अभी क्लास आज गूगल मीट पे इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये सेम टू सेम जूम पर रहेगा 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का, उसके बाद फिर हम लोगों को वीडियो मिलेगा ना देखने के लिए? यस यस, वो वीडियो यूनिक्सिविल ऐप पर मिल जाएगा, उसको भी हम कल बता के तब आगे चलेंगे, ठीक है, चलेगा। रिलैक्स होके करिए बस, आज सभी लोग जिसके पास ऑटोकैड नहीं है मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप के अंदर, इंस्टॉल करके रखिएगा। और एक छोटा सा पीडीएफ भेजूंगा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का, यहाँ पर बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी गाइस, जैसे कि सोम के कुछ बेसिक्स होंगे, आरसीसी के कुछ बेसिक्स होंगे, बिल्डिंग मटेरियल के कुछ बेसिक्स होंगे, इनको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहिएगा, फिलहाल मैं आज आपको कुछ बेसिक्स भेजूंगा, उसको पढ़िए फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।
प्री रिकॉर्डेड वीडियो वॉज गिवेन आफ्टर लाइव लेक्चर. यस यस नहीं, वो यूनिक्स लैब पर रखा रहेगा, आप चाहे जब पढ़ सकते हैं उसको. ठीक है अनिरुद्ध, चाहे जब पढ़ सकते हैं, एनी टाइम वो रखा रहेगा आपका वीडियो. ठीक है, चलिए, विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 7 PM एंड देन विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द बेसिक्स ऑफ ऑटो कैड एंड फ्रॉम देयर विल जस्ट ट्राई टू डू सम प्रैक्टिस ऑफ ऑटो कैड. ऑटो कैड में बेसिक बेसिक ड्रॉइंग ऐसे बनाएंगे. तो 3 दिन थोड़ा सा आपको लगेगा, हाँ आराम से, पर धीरे धीरे उसके बाद लेवल बढ़ेगा. ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच आप सब लोग. 4 महीने के लिए आप सबको पहले बेस्ट ऑफ लक, और रेडी रहिए, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा. ठीक है, चलो.